नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अग्निपथ योजना को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि कानपुर में जुम्मे की नमाज के दिन आज शहर के कई मस्जिदों में मुस्लिम युवाओं से अपील की जाएगी कि वो अग्निपथ योजना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल द्वारा शुरू की जा रही इस पहल में शहर के आधा दर्जन मस्जिद शामिल होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले दिनों सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ का जमकर विरोध हुआ। यूपी, बिहार, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में हिंसक और उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। इसी बीच कानपुर से अग्निपथ योजना को लेकर एक सकारात्मक पहल देखने को मिली। इसके तहत इमाम मस्जिदों से अपील करेंगे कि मुस्लिम समाज के युवक अग्निवीर योजना में आवेदन जरूर करें। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज से पहले और बाद में इमामों द्वारा इसकी अपील होगी। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। युवाओं को प्रेरित करने के लिए संगठन इमामों का सहारा भी लेगा। काउंसिल ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि जो युवा 10वीं या 12वीं पास हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। 24 जून से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 25 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा होगी। आवेदन के लिए उम्र 17 साल 6 महीने से 23 साल के बीच होनी चाहिए। शुक्रवार यानी 24 जून से अग्निपथ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी के कई शहरों में युवाओं ने अग्निपथ योजना की तारीफ करते हुए अग्निवीर बनने की इच्छा जाहिर की। बाराबंकी, आगरा, इटावा और सहारनपुर में युवक अग्निवीर बनने की तैयारी में भी जुट गए हैं। बाराबंकी में अग्निवीर की तैयारियों में जुटे युवाओं ने कहा कि चाहे 4 दिन हो या 4 साल, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा, सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब अग्निवीर रिटायर होकर आए तो उसे अन्य नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी हो। ये संगठन की पहल वाकई एक अच्छी पहल है। जहां एक तरफ ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने यह पहल की शुरुआत कर लोगों को संदेश दिया है कि जब भी कोई नई पहल आती है तो लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए, सही ढंग से पालन करना चाहिए, क्योंकि सरकार से जब भी कोई नई स्कीम आती है वो कई महीने कई सालों में प्रोसेस होने के बाद आती है। लेकिन सपा जैसे विपक्ष दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मौके की तलाश में रहते हैं, सरकार की हर नई पहल और जनहित कामों में अड़चन कैसे डालें। माना कि विपक्ष का काम है सवाल करना, लेकिन क्या इस तरीके से जैसे अखिलेश यादव आर्मी एयरफोर्स ज्वाइन करने वालों को बरगलाना चाहते हैं, क्या वो सही है? क्या इन युवाओं को भटकाना सही है? हाँ या ना, ये कौन तय करेगा? क्योंकि अग्निपथ स्कीम कोई पहली बार नहीं है जो विपक्ष लोगों को इस पर बरगला रहा है, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा है। आप किसान आंदोलन का मुद्दा देख लीजिए या कोई भी प्रदेश में गलत काम होता है, कोई डकैती फिरौती, विपक्ष उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ देती है। राकेश टिकैत के साथ चाय पीने वाले अखिलेश यादव को शायद पहले ये देखना चाहिए कि क्या सपा की सरकार में कितनी अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई, क्या सपा की तरफ से या किसी भी सरकार की तरफ से युवाओं के लिए पहल की गई है। जवाब होगा नहीं। लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार लगातार युवाओं से लेकर किसान से लेकर महिलाओं तक हर वर्ग हर धर्म को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार मेहनत कर रही है। अब इसे युवाओं को भी ध्यान देना चाहिए कि सरकार की पहल को समझें, किसी के भी बहकावे में ना आए। वाकई ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल की तरफ से ये जो पहल की गई है वो एक अच्छा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो सरकार को समझना नहीं चाहते। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल जैसे बाकी संगठन को भी सामने आकर युवा को इस समय सही राह दिखाकर उनमें अग्निपथ योजना पर सरकार का साथ देने और भर्ती करने के लिए उत्साह भरना चाहिए। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।